नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू कटोरी चाट। उसके लिए सामान है, चलिए दिखाते हैं। धनिया पत्ता, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा है, भुना हुआ जीरा, ये काला नमक, ये उबला हुआ चना है, ये प्याज है और ये चार आलू है। तो चलिए, उबला हुआ चार आलू है, चलिए बनाते हैं। ये आलू लीजिए, आलू को बीच से ऐसे काट दीजिए इस तरह से, और इस तरह से इसका बीच से ऐसे निकाल लीजिए। शेप में काट ले इस तरह से, देखिए कितना अच्छा से कट गया। इसी तरह से सबको काट ले कटोरा का शेप में, इस तरह से काट लेंगे ताकि इसमें स्टफिंग को भर सके हम। शेप दे दें कटोरी के जैसा, निकाल लें सारा इसमें का आलू ताकि इसमें स्टफिंग भरने में अच्छा रहे। ये देखिए पीछे से थोड़ा सा काट दे ताकि इसको इस तरह रख सके। एक रख ऐसे सेप दें, इस तरह से हम लोग दो आलू को काट लेंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा सामान आलू ले सकते हैं, उसको इसी तरह से काट सकते हैं, बना सकते हैं। बच्चों को आलू वैसे भी ठंडा में अच्छा होता है खिलाना, आप बनाइए घर पे, बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। खाने में चटपटा भी है। आलू का कटोरी बना लिए हैं, अब इसमें नमक खाते हैं उतना ही इसमें यूज करें, ज़्यादा नहीं। ये देखिए नमक डाल दिए, काला नमक डाल दिए थोड़ा थोड़ा, इसीलिए थोड़ा सा उसमें नमक डालें उबालते समय। ये भुजा हुआ जीरा है, भुजा हुआ जीरा को भी हम लोग डालेंगे ऐसे, देखिए बहुत अच्छा लगेगा भुजा हुआ जीरा डालिएगा तो। अब इसमें थोड़ा सा उबला हुआ चना डालेंगे इस तरह से, इसमें भरेंगे इस तरह से, उस पर से हम लोग लाल मिर्च डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए बच्चों को दीजिएगा तो थोड़ा कम लाल मिर्च दीजिएगा, तीखा लगेगा। अब इस पर से हम लोग थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे ताकि इसमें खट्टापन आ जाए और खाने में स्वादिष्ट लगे। आप चाट मसाला के जगह पर इमली का पानी भी यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद से थोड़ा सा ये प्याज ले लें कटा हुआ, इसका शेप में डालें थोड़ा थोड़ा। ये देखिए थोड़ा सा इसमें प्याज डालेंगे इसे, इस पर से गार्निश के लिए थोड़ा सा पत्ता का भी यूज करेंगे, उस पर से ऊपर से धनिया पत्ता गार्निश करेंगे। ये देखिए कटोरी चाट बन के रेडी हो गया। अगर ये आपको रेसिपी अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।